मेरी मम्मी आजकल जब भी फोन करती है सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पंचायत करती है कि तुम्हें इतनी आजादी दी है उसका कुछ तो फायदा उठाओ कोई लड़का पटा लो लड़का पटा लो कैसे पटा लो कहाँ से पटा लो कहाँ पट रहे लड़के और कौन सी आजादी के बारे में बात कर रहे हैं हम स्कूल और कॉलेज भेजना कोई आजादी देना होता है क्या जब हमारे लड़के पटाने की उम्र थी तब तो किसी लड़के का नाम भी मुंह से निकल जाता था तो ये हमारे फोन छीन लेते थे कमरे में बंद कर देते थे केबले कटवा देते थे यार और अब कह रहे लड़का पटा लो उस समय कहते थे कि भैया पढ़ो लिखो दुनिया बहुत खराब है काबिल बनो इंडिपेंडेंट बनो अब कह रहे हैं लड़का पटा लो जो स्किल मैंने फ्लर्टिंग का सीखा ही नहीं है उसे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ मैंने अपने आप को पढ़ा लिखा के इतना स्ट्रांग इंडिपेंडेंट काबिल बनाया है आपको खुद को अप्रोचेबल और क्यूट कैसे करूं लड़का पटा लो जो लड़के पटने वाले थे ना वो सारे लड़के पट चुके हैं स्कूल और कॉलेज में ही आज वो अपनी बीवियों के साथ गाय नाय को चक्कर काट रहे हैं अब कुछ नहीं बचा छन गई चाय पीने वाले पी गए अब हमारे लिए वो जो कड़वी पत्ती का रेसिड्यू है ना सिर्फ वही बचा है और उनके भी भाव स्काय रॉकेट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई कम कहा से पटा ले लड़का भाई हमें आता ही नहीं है लड़का पटाना फ्लर्टिंग के नाम पे मेरे अंदर सिर्फ एक स्किल है कि मैं किसी लड़के को मैसेज कर दू एच आई हाई उसके बाद भी एक्सक्लेवेशन मार्क नहीं फुल स्टॉप लड़का पटाएंगे हट